हे गाइस, स्वागत है आपका मेट्रॉइड में। मेरा नाम है अमित और मैं आज हिंदी में बात करने वाला हूँ। बात करने का मेरा मेन तो यही मकसद है कि मैं आज आपको कुछ बता सकूँ और कुछ मैसेज शेयर कर सकूँ। मैं इस वीडियो को कोई अपने चैनल या अपने कोई प्रमोशन वगैरह के लिए नहीं बना रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करें और ना ही लाइक बटन दबाएँ। अगर आपका दिल करता है तो शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, अदरवाइज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ना दबाएँ, क्योंकि ये सिर्फ एक मैसेज है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो मेरे को लगता है और मैंने फील किया, जो कि कुछ दिनों में मैंने सीखा है या फिर जो भी कुछ समझा है मैंने। तो आपको पता ही है इंडिया की सिचुएशन कैसी चल रही है। इंडिया की सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। केसेस कितने हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखता, क्योंकि न्यूज़ देखने से दिमाग में और थोड़ा परेशानी आती है। तो मुझे नहीं पता कि कितने केसेस हैं, क्या हैं क्या नहीं है, और इंडिया में बाहर कितनी रिकवरी हो रही है, कितनी डेथ हो रही है। बट डेथ मैं तो कहूँगा ज़्यादा ही हो रही हैं। बट फिर भी ध्यान रखें, मास्क वगैरह के बारे में तो उसे कुछ कहूँगा नहीं, वो आप खुद प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं। तो पॉलिटिशियन का भी कुछ नहीं पता है, बट मैं आज बात करूँगा बात करने के बारे में। बात करने के बारे में मेरा मतलब है कि अगर आपका कोई दोस्त है जिससे आप बात नहीं होती है, आपका कोई फैमिली रिलेटिव है जिससे आपके संबंध ठीक नहीं है, या फिर जिनसे थोड़ी बहुत आपका लड़ाई झगड़ा भी रहता है और जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, फिर भी अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो किसी वजह से ही होगा, अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो प्लीज़ उसको बात कीजिए उनसे और उनसे पूछिए कि सब ठीक है कि नहीं है। अगर आप भी ठीक नहीं है तो आप भी बात करेंगे तो आपको भी रिलैक्स फील होगा। ये मेक श्योर कि आप एक दूसरे से बात कीजिए, आपको एक दूसरे को स्टोरी बताइए या फिर जो भी आपके अंदर है वो सब बताइए। आप डिप्रेस्ड हैं बिकॉज कोरोना की वजह से इंसान मर ही नहीं रहा है, इंसान डिप्रेस्ड भी हो रहा है। जॉब नहीं है कुछ लोगों के पास, जिनकी जॉब चले गई है, या फिर कोई घर में परेशान है पैसों को लेकर, किसी की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं है जो कि इस पेंडेमिक के अंदर अपने फैमिली को प्रोवाइड कर सके सारी चीज़ें, अपने घर को चला सके। तो सभी लोग काफ़ी डिप्रेशन में हैं एंड काफ़ी कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग झगड़े रहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर मैं ऐसे गिनने जाऊँ तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त है, कोई करीबी फैमिली रिलेटिव है, कोई भी कैसा भी है, किसी को कुछ नहीं पता कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो शायद आपको पता हो कि दूसरा भी गुजर सकता है किसी इसी प्रॉब्लम से या किसी और प्रॉब्लम से। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि आप उसको बात कीजिए उनसे। किसी को भी ये मत सोचिए कि यार इतने सालों बाद बात करो कोई बात करेगा कि नहीं, या फिर इतना टाइम बाद बात करो बात करेगा कि नहीं, लास्ट टाइम हमारी बात हुई तो झगड़ा हुआ था या कुछ भी हुआ था। इस टाइम कोई कुछ भी नहीं सोचेगा आपसे बात करने से पहले कि यार मैं तो उसे जानता ही नहीं, आज कैसे मैसेज कर रहा है, कुछ ये वो। हर इंसान एक दूसरे की मदद कर रहा है इस टाइम, ऑक्सीजन सिलेंडर्स या कुछ भी हो, रिसोर्सेज हो, कुछ भी, सब शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। बट आप ये भी पूछिए, क्योंकि स्टेटस वगैरह डालने से तो कुछ होगा नहीं कि आपको डिप्रेशन में, तो प्लीज़ मुझसे बात कीजिए स्टेटस में। स्टेटस में डालने से कुछ नहीं होगा, आप जाके उस इंसान से बात करिए जो आपके कॉन्टैक्ट में है या जिनसे डेली बात होती है, उनका तो आपको पता ही होगा, लेकिन जिससे नहीं होती है उनको क्या ही पता है, क्या पता उसकी लाइफ में कोई पूछने वाला ना हो या कुछ भी हो। तो प्लीज़ आप जाके उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आप ठीक है कि नहीं, आपके घर में सब ठीक है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइए उसको, थोड़ा रीच कीजिए। अगर वो नहीं बात करता थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे बात करना स्टार्ट कीजिए, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक दूसरे का हाल पूछें, क्योंकि अगर आपका भी हाल ख़राब है तो आप बताएंगे, क्या पता आपको रिलैक्स फील हो, क्या पता उस बंदे की बात आपको अच्छी लगे, कुछ भी हो सकता है, दिमाग में शांति आ सकती है। बट अगर वो नहीं करना चाहता तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, छोड़ दीजिए उसे, कोई बात नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, बट प्लीज़ बात कीजिए एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे का हाल पूछना तो गलत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मैं बात नहीं करूँगा उससे, या आप कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप दोनों के बीच में कुछ भी है, तो उसको साइड रख के आप बात कर सकते, कोई नुकसान तो है नहीं इसमें, ना आपका होना ना उनका होना, क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है, आगे का क्या पता कि इसको क्या होने वाला है। तो अभी तक आप मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो थैंक यू, एंड दूसरा मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब मत कीजिए, ना लाइक कीजिए, अगर आपको शेयर करनी है तो कीजिए, बट अदरवाइज़ जो मैंने कहा है अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए। सो थैंक यू गाइज़।